मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारे पास है LP001। ये RGB वाइट LED पार है, देखिए DMX LED पार है। इसके हम कलर वगैरह सेट करना आपको सिखाएंगे। ये देखिए अब इस पे लाइट पे आ गए हम, नीचे आपको कलर दिखेंगे जैसे चलेगी लाइट। एक बार ऑफ करके ऑन कर ले, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी लाइट जब आप ऑन करते हो किस कंडीशन में होती है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका पावर ऑफ कर दिया है, इसका पावर वापस से ऑन कर किया है हमने। और जैसे हमने पावर ऑन किया है इस पे, ये देखिए R लिखा हुआ है। अब इसको हम एंटर करेंगे, इसका मतलब होता है रेड। अब इसको जैसे ही अप करेंगे, ये देखिए रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। देखिए ये इसमें होता है 255 तक होता है इसकी इंटेंसिटी। ये देखिए ये लास्ट आ गया 255, इसको एंटर कर दिया हमने। इसके बाद में जैसे ही मेनू को दबाएंगे ग्रीन आ गया। अब जैसे हमारे को कोई कलर बनाना है, वाइट येलो बनाना है, तो जैसे ग्रीन मिक्स कर दिया, येलो का शेड हो जाएगा इसमें। ये एंटर कर दिया, देखिए येलो शेड दिखेगा आपको। जैसे इसको इसके बाद में एंटर करेंगे, ये ब्लू आ गया। ये देखिए अभी हमारे तीनों कलर ऑन है, रेड ग्रीन ब्लू। अब एक बार हम इनको वापस से बंद कर देंगे तीनों कलर को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलो एक बार इसको वापस आगे जाते हैं। ये आ गया वाइट, ये इसमें बी बना हुआ है, तो ये यहाँ से डिस्प्ले गई वाइट के लिए, इसमें बी से दर्शाया गया है। ये पेवर वाइट है, ये आ गया इसका DMXD लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है DMX अपन जो कंसोल से, मिक्सर से, यहाँ पे XLR लगा के और ऑपरेट करते हैं, तो उसकी एड्रेसिंग की जाती है, उसके लिए काम में आता है ये। इसको हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिस चैनल पे हमारे को देना है। 512 होता है DMX। इसके बाद में हम वापस मेनू में जाएंगे, यह आ गया CC कलर चेंज, मतलब ये कलर चेंज है। और अब इसकी जो स्पीड दिख रही है कलर चेंजिंग की, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये 100 तक फर्क करता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए अपन फुल पे कर देंगे, ये देखिए इतना फास्ट कलर चेंज हो रहा है। ये अलग अलग इसकी कलर चेंजिंग की स्पीड आ गई। इसके बाद में आ गया इसका CP, इसका मतलब है जो कलर आ रहा है, एक तो झटके से आ रहा है, दूसरा कलर आ रहा है स्मूथली कलर आ रहा है, और स्मूथली दूसरा कलर गायब हो रहा है, उसके लिए है। जैसे भी देखिए आप करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक कलर गया, उसके बाद में दूसरा कलर आया, ऐसा हो रहा था। अब देखिए कितना प्यार से कलर चेंज हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल स्लो स्लो। अब ये देखिए फास्ट हो गया,
इसको कम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर है, ये दूसरा कलर आ गया। कितना आराम से आया है कलर, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद में ये अपने काम का नहीं है, ये आ गया रेड। जैसे रेड को बंद कर दिया हमने, एंटर कर दिया, इसके बाद में आ गया ग्रीन, इसको बंद कर दिया, एंटर कर दिया, इसके बाद में ब्लू आ गया, इसको भी कम कर दिया हमने। अब ये देखिए केवल वाइट चालू है हमारा, आपको बता देते हैं केवल वाइट एलईडी, ये वाइट एलईडी चल रही है केवल इसकी। इसको भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास मिक्सर नहीं हो और आपके पास अगर दो लाइट, चार लाइट या छह लाइट ऐसी हो, तो आप उसमें जैसा कि आप आपके पास चार लाइट है और डीजे पे आप चला रहे हो और चारों में कलर अलग अलग आ रहा है, तो आप उसके लिए एक दूसरे से एक्सएलआर अटैच करके और अगर एक लाइट के अंदर आप कलर चेंजिंग सेट करोगे तो उसके हिसाब से ही उसके साथ में वो तीनों लाइट चालू हो जाएगी। तो जैसे चारों लाइट में एक साथ कलर चेंज होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।